Hey guys, good morning. This is Anvi from Kolkata, and this is 4:36 a.m. at the morning, and we are going to Ladakh. So, आज पहला दिन है. हम लोग अभी अंदुल पे है. तो बात हुआ था 4 बजे स्टार्ट करने के लिए, लेकिन थोड़ा लेट चल रहा है. लेकिन कोई बात नहीं, पहला दिन होगा, मुझे पता था. तो अभी 3 राइडर बाकी है. चलो जाते. तो अभी सुबह का 7:25 बज चुका है और हम लोग बर्धवान का रॉय होटल में आए. बहुत धूप है. तो बाइक ये है. ऑल लोडेड, फुल्ली लोडेड. डोमिनार का इतना अच्छा मॉडिफिकेशन होता है. पल्सर, ये तो लेजेंड बाइक है. फॉर्टिनर, माइटी फॉर्टिनर इज गोइंग विद अस. हियर इज माय चेतक. चलो ब्रेकफास्ट करते हैं. जल्दी निकलना है क्योंकि इलाहाबाद इज़ द डेस्टिनेशन. तो बहुत सारे किलोमीटर्स बाकी है. अभी तो जस्ट 120-130 किलोमीटर्स कुछ हुआ है. तो चलो बात करते बाद में. हम लोगों से मिलने आया है ये बंदे, सिद्धार्थ, सुदीप, स्वप्निल. राइड के बारे में बहुत सारे चीज़ मैं इन लोगों से जाना हूँ. और ये तो हम लोग का गॉडफादर है. एक एक बंदा मिसिंग है, ऑडिट्रो. चलो अभी निकलेंगे इधर से और शायद 300-400 किलोमीटर बाद में रुकेंगे लंच करने का टाइम में. ससरम विल ट्राई द सी. ओके, एक घंटा चल गए हम लोग. अभी बगोदर बोल के कुछ जगह पे है और सुनीत वॉज फीलिंग स्लीपी. टू मोर पीपल वेर फीलिंग स्लीपी, सो वी थॉट कि चलो एक चाय ब्रेक ले लेते. मौसम बहुत बढ़िया है, लाइक 30-32 होगा आसपास, क्योंकि क्लाउडी है अब देख सकते हो. थैंक गॉड. पता नहीं कब तक ये मौसम देवता हम लोगों का ऊपर मेहरबान रहेगा. टेक कर दे. और ये है ZX-14R. तो इस जगह पे हम लोग पहले अभी थोड़ा चाय वगैरह पी लेंगे. This is 3:30 PM at the afternoon and we have taken the lunch break. Yes, the lunch break. Actually थोड़ा problem हो रहा है, लेकिन like bike किसी का एक नाक टूट गया था, उसका अब जो कैरियर था. और बहुत सारे बंदे हैं, तो some of us were feeling sleepy. So
थोड़ा ब्रेक लेना पड़ रहा है, थोड़ा चाय ब्रेक ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो होगा ही, क्योंकि कल रात को किसी को नींद ठीक से नहीं हुआ। बाइक रेडी कर रहा था कुछ लड़का, तो रात का 2-3 बजे तक बाइक को रेडी किए, पैकिंग वगैरह सब कुछ किए। अभी हम लोग 480-490 किलोमीटर्स कुछ ऐसा क्रॉस किए और स्टिल सम लाइक अराउंड 350 किलोमीटर्स टू गो बिकॉज वी आर हेडिंग टू इलाहाबाद। तो सुबह का जो टाइम होता है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम में हम लोगों का जो एवरेज स्पीड कम हो गया। मेरे ख्याल से 10-11 बजे तो हो ही जाएगा और ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि टीम बहुत ज़्यादा है, 4-5 बंदे सामने हैं, सामने वो लोग खा रहे, हम लोग अभी इधर एक इस जगह पे रुके हैं, तो सासाराम इधर से बहुत दूर है अभी। Hey guys, namaskar, welcome to my channel. This is Anvi from Kolkata and this is the day 2. So yesterday we got lot of travel because 4 baje hum log pahunche idhar after riding like 24 hours. Bahut sare problem hua tha raste mein, lekin theek hai, koi baat nahi. Aur aaj ka jo hai, aaj hum log ko we have to travel like 780 kilometers and the destination is Panipat. 200 किलोमीटर तो जमुना एक्सप्रेस वे मिलेगा और 70 किलोमीटर जो है वो हम लोगों को वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो है वो मिल जाएगा। तो इस रास्ते को लेके कोई दिक्कत नहीं है, अभी सोचना पड़ेगा कि बाकी रास्ता कैसे होगा। मौसम विभाग अगर हम लोग के ऊपर मेहरबान रहे तो शायद हो जाएगा, लेकिन गूगल आंटी बोल रहे हैं कि इट विल टेक लाइक 13 आवर्स। वी गॉट अ वेरी गुड स्लीप फॉर लाइक 5 आवर्स। क्या नींद आया है, जब एक टीम 5 बंदे का वो थोड़ा सुबह निकल के बिकॉज काली वो लोग अलग हो गए थे बिकॉज उन लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो वो लोग डिसाइड किया, हम लोग बोले कि चलो तुम निकल जाओ। ओके 10:36 हो चुका है, चलो बाद में बात करते। भैया ये हाईवे जा रहा है क्या?
गया हमको हाईवे मिल गया हमको हाईवे मिल गया। Hey guys, this is 4:30 p.m. at the afternoon and we have crossed just only 150 kilometers. Actually, Allahabad city से बाहर आने में बहुत दिक्कत हुआ, बहुत कंजेशन था, बहुत ट्रैफिक था और दो बंदे कुछ और डायरेक्शन में चले गए थे तो कोऑर्डिनेशन होते होते बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये जो लॉन्ग राइड्स है, अगर टीम अक्कर बहुत ज़्यादा हुआ तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, सबके पास तो सीना और बीटी नहीं रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये सब होते रहता है, तो ये प्रॉब्लम है। पता नहीं, स्टिल मोर देन 600 किलोमीटर्स टू गो एंड कैसे होगा। अभी तो 4:30 हो गए और बारिश भी हो रहा है, अभी हम लोग रुके हैं, थोड़ा खा लेंगे। पहले सोचे थे कि विल नॉट टेक द लंच बिकॉज ब्रेकफास्ट बहुत हैवी किए थे, लाइक 6 ब्रेड और ऑमलेट कुछ दिए थे, लेकिन अभी जो इतना बारिश हो रहा है तो हम लोग सोच रहे थे चलो खुद खा ही लेते। This is 9:55 p.m. at the night and अभी भी हम लोग आगरा से 110 किलोमीटर पीछे है। मेरा ख्याल से पानीपत हम जा सकते हैं, लेकिन उसको जाने में लाइक कल सुबह 5 बजे 6 बजे हो जाएगा, बिकॉज पहले आगरा, फिर दिल्ली जमुना एक्सप्रेस वे, फिर पानीपत। आज आगरा में रुक जाते हैं, फिर कल सुबह एकदम 5 बजे से स्टार्ट करते हैं, तो पानीपत से आगे जाके कहीं रुकेंगे, उधमपुर इज़ नॉट पॉसिबल। अभी तो चाय ब्रेक ले रहा हूँ, और क्या बताओ यार। मेरा चाय ब्रेक। Inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. This is 3:38 a.m. at the morning and we have reached at the Agra. Actually destination has been changed a little bit. थोड़ा planning का तो change होगा ही, because we were supposed to reach by Panipat. अभी तो सोएंगे, चलो good night and bye, take care, thank you for watching the video and as I said, no overspeeding, no street racing, helmet must, bye. Oh, I forgot. Please subscribe Kalina, or if you like the video then please like or comment kar dena. Bye, good night. Aur ye in teen maas ke idhar so ke rahe the. Abhi nikalna hai. Kisi bhi tarah nikalna hai.